नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता विमल और आप सबका स्वागत है मेरी बगिया में। आज हम बात करेंगे इन फूलों के बारे में। ये हैं डे लिलीज और ये मेरे पास ऑरेंज कलर के हैं। तो मैं आज आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगी इनके रखरखाव के बारे में, ताकि आपके फ्लावर्स जो हैं वो ढेर सारे इनमें आएँ और साथ ही आपका जो प्लांट है वो अच्छे से हेल्दीली ग्रो करे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि बीच बीच में ही मैं आपको ये जानकारियाँ देती रहूँगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा डे लिली का प्लांट, जिसमें आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। दोस्तों, इनको डे लिली या लिली तो कहते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये लिली की फैमिली से नहीं है। और उसका एक डिफरेंस यही है कि जो लिली हैं वो बल्ब से ब्लूम करते हैं, ग्रो करते हैं, जबकि इसके जो प्लांट्स हैं वो रूट से ग्रो करते हैं, जिनको क्लम्स कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा मिट्टी हटा के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये देखिए इसमें ये क्लम्स होते हैं, जड़ें होती हैं, जो कि पहले तो इसमें काफ़ी स्वोलन से रूट्स होते हैं और उसके साथ फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो इसलिए जो है ये जड़ों का एक एक्चुअली गुच्छा होता है, जिसमें से ये प्लांट ग्रो करते हैं। तो इनमें बल्ब नहीं होते हैं। तो लिली और डे लिली में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। इनको डे लिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फ्लावर है, जब मॉर्निंग में सन उगता है तब ये ब्लूम करते हैं, और जैसे ही शाम होने लगती है तो ये बंद होकर मुरझा जाते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनकी लाइफ जो है वो सिर्फ एक दिन की होती है, इसीलिए ये अपने नाम को इसी तरह से जस्टिफाई करते हैं और डे लिली कहलाते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है, जिसको आप एक बार लाकर नर्सरी से अपने गार्डन में या अपने पॉट में लगा लीजिए, फिर ये हमेशा सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। बस आप इसकी थोड़ी देखभाल करते रहिए तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी कि इसको बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये प्लांट जो कि अब हम इनको एक गमले में लगा रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं, तो इसमें ये कन्फाइंड होते हैं, इनको कम जगह मिलती है, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये हमारे देश के लगभग सभी भागों में अच्छे से उगाया जा सकता है, ये गर्म जगह पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और जो टेम्परेचर है वो माइनस डिग्री पे चला जाता है, तो फिर सर्दियों के दिनों में आपको इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, यानी कि आप इसको अपने गमले को उठाकर अंदर किसी ऐसी शेडिड जगह पे रख दीजिए, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी, जो फ्रीजिंग सर्दी से है, इनकी बचाव हो सके। और दोस्तों, एक और बात है कि आजकल जो ये डे लिलीज हैं वो बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज़ में भी आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, जैसे कि वाइट में आते हैं, पर्पल में आते हैं, येलो में आते हैं, रेड में भी आते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट इन सब की देखभाल करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है, कोई ख़ास अलग से हम इनकी अलग अलग कलर्स की अलग अलग तरह से देखभाल नहीं करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये समर का पौधा है और इसको गर्मी बहुत पसंद होती है, तो हम इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो। वैसे तो इसमें फ्लावर्स जो हैं वो अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने तक ही आते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप इनका जो ब्लूमिंग पीरियड है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ हद तक जो है इनका ब्लूमिंग पीरियड आप बढ़ा सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ये देखिए, ये थोड़े घास की तरह लगते हैं, और जब इनमें फ्लावरिंग होनी होती है तो सबसे पहले ये शूट निकलता है, ये देखिए, और इसकी हाइट लगभग 1.5 से 2 फीट तक भी हो सकती है। तो ये जो शूट है इसको हम एक्चुअली स्केप कहते हैं, इसको हम स्केप कहते हैं, और एक एक स्केप के ऊपर टिप पे जाके इसका जो ये स्केप है पूरा लीफलेस होता है, इसमें कोई पत्ते नहीं होते हैं, और ऊपर जाके टिप में, जैसे कि इस वाले में देखिए कितने सारे बड्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स एक ही एक स्केप में कम से कम 1.5 दर्जन तक बड्स आते हैं, और एक मुरझाता है तो दूसरा खिलता जाता है। इस तरह से जो है ये स्केप्स जो है, हालांकि ये नीचे से नेकेड है, लेकिन फिर भी टिप पे जाके इतने सारे जो हैं फ्लावर्स बड आते हैं।
अगर ये प्लांट ग्राउंड पे लगा है तब तो बिल्कुल भी इनकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही फलते हैं, बढ़ते हैं, मुरझाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने इनको पॉट में लगा के रखा है तो उसमें हमें इसके सॉइल मिक्सचर की और साथ में इसमें वाटरिंग वगैरह कितनी करनी है वो थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हम बात करेंगे सॉइल मिक्सचर की, ये तो सॉइल मिक्सचर जो है हम इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे। ये देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है इस गमले की, और इसमें मैंने बालू, गार्डन सॉइल और साथ में मैंने इसमें कंपोस्ट डाला है, 30% कंपोस्ट डाला है। साथ में जब मैंने इसको इसमें रोपा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा छोटी मुट्ठी भर के मैंने इसमें बोन मील डाला था। बोन मील इनको बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे एक तो इनके पत्ते भी काफ़ी अच्छे ब्राइट होते हैं ग्रीन कलर के, जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और दूसरा फ्लावर्स की जो क्वालिटी है और कलर है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसलिए दोस्तों जब आप अपने डे लिली को पॉट में लगाएंगे तो आप इनको अच्छी खुराक दीजिएगा, लेकिन खुराक सिर्फ तभी दीजिए जब आप इनको पॉट करते हैं, बाद में इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि हमने बोला कि इनको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है और ये गमले में लगा हुआ है तो इसकी मिट्टी सूख जाती है, तो इनको हर रोज़ मॉर्निंग में पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मिट्टी सूख गई तो फिर इनकी जो ब्लूमिंग में है वो बहुत इफ़ेक्ट आएगा और ये फ्लावर्स जल्दी से मुरझा जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। रही बात इनके प्रोपोगेशन की, तो इनको जो है हम इनके जो क्लम्स हैं, इनके जो रूट्स हैं, उनको सेपरेट करके अलग अलग गमलों में लगा के इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इनमें ब्लूमिंग हो रही है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसमें सेपरेट करते हुए और साथ में किस तरह से हम इनको पॉट करेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको दूँगी। तो ये तो थी इनकी रख रखाव की बात। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ जिससे इनका ब्लूमिंग पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1, ये तो सबको ही पता है कि जो भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उनको डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए डेड हेडिंग से जो है ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और प्लांट में लग जाती है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे डेड हेडिंग करके रखी है, यहाँ पे भी मैंने ये देखिए डेड हेडिंग करके रखी है ताकि जो ब्लूम फ्लावर्स हैं, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, हटा दें। जैसे कि आपको ये बता दूँ पहले, ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी डेड हेडिंग करी है। अभी तो ये मैंने फ्लावर की है क्योंकि अभी इनमें ये बड्स हैं, अभी इनमें खिलने बाकी हैं और ये छोटा सा एक यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे बड्स ब्लूम होके ख़त्म हो जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, तब हमने क्या करना है, ये जो इसका स्केप जो यहाँ से निकल रहा है इसको हम यहीं से कट कर देंगे, यहीं से इसकी डेड हेडिंग कर देंगे, जिससे यहाँ से एक और शूट निकलने के लिए जगह बनेगी। और ऑफ सीज़न में भी, या कहिए ऑफ सीज़न में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जब इनका ब्लूमिंग पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तभी भी यहाँ से जो है एक और स्केप निकलता है, निकलने की संभावना काफ़ी हो जाती है, और फिर जो है यहाँ से एक स्केप नया निकल के फिर जो है उसमें बड्स होते हैं और फिर फ्लावरिंग हो सकती है। तो इस तरह से जो है हम इस खूबसूरत फ्लावर के ब्लूमिंग के टाइम को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। दोस्तों जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इन फ्लावर्स में या इनके प्लांट्स में कभी भी मैंने कोई डिजीज़ या कोई पेस्ट लगते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं अपने गार्डन में लगभग सभी प्लांट्स के साथ जो करती हूँ तो वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 25 या 30 दिन में एक बार नीम ऑयल को पानी में डिज़ोल्व करके इनमें स्प्रे करते रहिए। और बाय चांस अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिली बग है या कहीं कुछ है तो उस पर्टिकुलर जगह पे पानी का थोड़ा फोर्सफुल स्प्रे करिए, जिससे कि या आप सोप के वाटर का भी लिक्विड बना के आप उससे भी कर सकते हैं स्प्रे, जिससे कि मिली बग वहाँ से हट जाए। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें टू बी सेफ़। हमें चाहे हमारा प्लांट हेल्दी है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी जो है हमें ये करना चाहिए जिससे हमेशा वो हेल्दी रहेंगे।
तो अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। जैसे कि हमने बात की कि ये जो डे लिलीज हैं वो क्लम्प्स में ग्रो करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि क्लम्प काफ़ी बड़ा हो जाता है और कई बार पॉट छोटा हो जाता है और क्लम्प्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में जो है हमें इनको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे तो इनकी ब्लूमिंग या इनके रिज़ल्ट में काफ़ी अफेक्ट आता है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेम अगर ये ग्राउंड में भी ग्रो कर रहे हों और एक ही जगह क्लटर होकर रह रहे हों तो उनको भी जो है हमें डिवाइड करना ज़रूरी होता है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने ये जो प्लांट है मेरा, इसको मैंने डिवाइड किया था लास्ट ईयर और मैंने इनको 3 भागों में बांट दिया था और मैंने 2 भाग जो है अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दिया था, अब वो भी बहुत खुश हैं। तो इस तरह से जो है बांटने से खुशी भी मिलती है और प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता है, तो इस तरह से जो है गार्डनिंग करने में और भी मज़ा आ जाता है। तो ये थे दोस्तों मेरे अनुभव डे लिलीज के साथ। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अनुभव लेकर एक बार फिर से। तब तक के लिए बस इतना ही।